हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आप लोगों को हम न्यू प्रोजेक्ट के संबंध में बात करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट है कुछ नया टाइप का, और ये एक सीरीज है जिसके जिसका हम नाम दिए हैं क्रिएटिविटी ऑफ द डे। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हम लोग शाम को कुछ काम करते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो उसका हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जिसका आज का दिन का जो है उसके अंतर्गत काम है कि हमको गोभी लगाना है, कॉलीफ्लावर, फुल गोभी। वो भी क्या है कि वो भी अगता, इसको बोलते हैं ना कि अर्ली फार्मिंग है, ये कमर्शियल मेथड फार्मिंग के मेथड में आता है। तो उसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे, जिसका हम लोगों ने सीडलिंग तैयार कर लिया है और उसको हम लोग लगाते हैं। और कुछ जगहों पे हमने उसको लगाया है, पॉली बैग में लगाया है, उसको फील्ड में लगाया है, अलग अलग जगहों पे हमने चीज़ों को लगाया है। तो उस पे हम लोग बात करेंगे अलग अलग चीज़ों पे कि कैसे लगाते हैं, कैसे उसको तैयार करते हैं। तो आज ये ज़मीन है, देखिए ज़मीन देखने में कैसा है, बट इसकी फर्टिलिटी अच्छी है, इसलिए आज हम लोग इसको पहले तैयार करेंगे। सारा उसको हम दिखाएंगे इसको तैयार करके। ये इतना हमारा ज़मीन है, आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, ये इस साइड है, इस साइड है, ठीक है। ये क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम इस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि हल्का सा जो है शेडो पार्ट होता है, इसमें ज़्यादा देर धूप नहीं लगता है, लगभग 5-6 घंटों का। इसलिए इस ज़मीन को यूज करेंगे हम लोग कॉलीफ्लावर प्लांटेशन के लिए। और भी हम आपको अलग अलग चीज़ दिखाएंगे अगले सीरीज में, क्योंकि इसके सीरीज के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं कि एक दिन का काम हम आपको एक दिन में दिखाएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी ऑफ द डे के अंतर्गत आज का काम हम आज को आपको शाम तक शो करेंगे। तो आज हम इसको पूरा तैयार करेंगे। अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, फिर आपको हम सारे चीज़ों को तैयार करके फिर आपको दिखाएंगे कैसा ये लगता है, फिर लगा के दिखाएंगे आपको कैसे ये दिखता है। ओके ठीक है, यहाँ तक। फिर हम देखते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है, फिर आपको शो करते हैं। हेलो, तो देखिए इस तरह से हमने इसको खून दिया है, बट अभी ये तैयार नहीं हुआ है। इसको जो होता है ना कि आपको इसका मिट्टी हमको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसको देखिए इस तरह से हमको सॉफ्ट करके इसको सॉफ्ट करना पड़ेगा सारे मिट्टी को, तब जाके गोभी जो है लगेगा। आपको हम आपको सारे प्रोसेस में दिखा देंगे, बट इस बीच में हम आपको दिखा दें। देखिए इस तरह से पूरा ये मिट्टी एकदम भुरभुरा होना चाहिए, तब जाकर आपका गोभी का प्लांटेशन हम या कोई भी सब्जी आराम से हो सकता है। देखिए इस तरह से इसमें हम और कंपोस्ट वगैरह मिलाएंगे, फिर हम उसका बाद में आपको बताएंगे डिटेल। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से हम उसको सारे मिट्टी, अभी तो खून रहे हैं, हम खुनाई कर रहे हैं, सारे मिट्टी को इस तरह से हम एकदम पतला करके मिला देंगे, फिर इसमें हम आपको प्लांट लगाएंगे, ठीक है। ओके हेलो, देखिए ये आपका खेत तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें लगेगा गोभी, देखिए ये सारा कैसा था, कैसा तैयार हो गया है पूरा। अब लगा के फिर आपको हम दिखाएंगे। हमने प्लांट आपको ले आए हैं, सीडलिंग हम तैयार किए थे, सीडलिंग वाला वीडियो हम आपको पिछले में दिए हैं सीरीज में। ये देखिए ये काफ़ी इतना बड़ा बड़ा आपका पौधा तैयार हो गया है। अब ये देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा साइज का हो गया है पौधा, ये देखिए। अब इसको हम लगाएंगे, फिर आपको शो करेंगे, दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे। देखिए सारा इसको हम लगाएंगे, फिर आपको शो करेंगे। देखिए कितना प्यारा लगेगा, अब ये कितना प्यारा प्यारा पेड़ है, ये देखिए कितना प्यारा सुंदर सुंदर लग रहा है। तो इसको हम अब लगाने के बाद जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा देर पहले मैंने आपको दिखाया था कितना गंदा था, अभी देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। और इसमें गोभी लगाने का हम लोग प्रोसेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लगभग 30x25 के थी में दिए हैं दूरी में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली ये देखिए लग के तैयार हो गया है। कल हम आपको शो नहीं करवा पाए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शाम हो गया था, इसलिए हम उसका क्लिक नहीं ले पाए थे। देखिए और रात में बरसात हो गया तो इसलिए ये पानी इस तरह से हो गया, बट ये लग गया है क्योंकि इसका आप सूरत देख के बता सकते हैं ये कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से ये ग्रोथ चलेगा, ठीक है। और बीच बीच में इसका कैसे केयरिंग करेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का दिन आपका यही है कि ये आप फर्स्ट लेसन में आप सीखे कि गोभी का पेड़ कैसे लगाते हैं हम, और गड़बड़ से गड़बड़ जगह को हम कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे ये जगह बेकार पड़ा हुआ था, इसका कोई उपयोग नहीं है, और 2 महीने में इसको यूज कर लेंगे। 2 महीने के बाद ये हमारा दूसरे काम के लिए आएगा, बट 2 महीने में तब तक हमारा गोभी का प्लांट बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट, चलिए ओके। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ठीक है, थैंक यू।